अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का रिश्ता जो है, इसको बताने से पहले हम एक छोटी सी बात जो है वो करना चाहते हैं हमारे उन दोस्तों से, व्यूअर से, जिनके अक्सर जो है हमें कमेंट जो है आते हैं कि हमें जो है आप फैमिली का जो है डायरेक्ट नंबर दे दिया करें, या आप जो है अपना मोबाइल नंबर दे दिया करें ताकि हम जो है आपसे बात कर सकें। तो दोस्तों, उन्हीं दोस्तों के लिए जो चाहते हैं फैमिली का डायरेक्ट नंबर, तो उनके लिए जो हमने अपना दूसरा जो है चैनल जो है वो बना दिया है, अल हमरा शादी हाउस के नाम से। उसका जो है कमेंट वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर जाएं। उस पर जो है हम जो रिश्ते पेश करेंगे उनका जो है डायरेक्ट नंबर भी जो है हम उसे वीडियो में जो है आपको बता दिया करेंगे। तो अब चलते हैं आज के रिश्ते की तरफ। तो आज का जो रिश्ता है दोस्तों, ये हम अब लेकर आए हैं उन हमारे दोस्तों के लिए, भाइयों के लिए, जिनकी उम्र जो है वो 50 साल तक हो और वो पहली या दूसरी शादी करना चाहते हों। तो खातून जो है जिनका रिश्ता मैं आपको बता रहा हूँ, इनका नाम है सालिहा बीबी। सालिहा जो है इनकी उम्र है 39 बरस, 39 ईयर्स, और ये एक तलाक़ याफ्ता खातून है। 3 साल हो गए हैं शोहर से अलहदा हुए, और जो है अभी जो है ये 3 साल से, पिछले 3 साल से जो है ये अपने वालदैन के घर पे रहती हैं। तो बच्चे जो है इनकी, एक बेटी, दो बेटे, 3 बच्चे हैं। तीनों जो है इनके शोहर के पास, यानी कि पहले शोहर के पास हैं, यानी कि अपने वालिद के पास रहते हैं। सालिहा जो है मुसलमान है, फिरका सुन्नी है, और ये एक बहुत ही गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। इनकी कास्ट मुगल है, मुसलमान है, फिरका सुन्नी है, और इस वक्त ये कराची सिटी में रहती हैं। ये मैं आपको बता दूं कि काफ़ी गरीब फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। तो 7 बहनें हैं, ये 2 भाई हैं, तो मतलब कि काफ़ी गरीब हैं। वालिद जो है इनके मजदूरी वगैरह करते हैं, तो जो है जहेज वगैरह ये बिल्कुल नहीं दे सकेंगे। तो वो हमारे दोस्त जो चाहते हैं ऐसी किसी फैमिली में जो है शादी करना, इनसे मिलना, तो वो बराए मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसीलात के साथ अपना मोबाइल नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे रब्ता कर लेंगे। अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता ज़रूर आप लोगों के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।